के तीन राज्यों की सियासत में आज जबरदस्त हलचल है। 2024 के चुनाव में बनने वाले करप्शन मोर्चा के खिलाफ ईडी फुल एक्शन में है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने शराब घोटाला केस में कोर्ट से मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगी है। भ्रष्टाचार मामले में आरजेडी के खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर पटना तक लालू यादव के करीबियों के ठिकाने पर रेड पड़ रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी का करप्शन भी अब खुलकर सामने आने लगा है। केसीआर की बेटी को ईडी ने समन भेजा है। और सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं। शराब घोटाले में आज सिसोदिया की कोर्ट में पेशी है। ईडी ने 10 दिन की सिसोदिया की रिमांड मांगी है और इस सुनवाई से पहले आम आदमी पार्टी के आपके दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के ऊपर मौजूद दफ्तर के सामने, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने बीजेपी का हल्ला बोल है और बीजेपी की ओर से जबरदस्त अटैक किया जा रहा है सिसोदिया को लेकर, साथ ही साथ सत्येंद्र जैन को लेकर, अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है और बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि ये तो ट्रेलर था लेकिन जो पूरी पिक्चर है वो तब होगा जब अरविंद केजरीवाल भी सलाखों के पीछे जाएंगे। और इस वक्त आप देखिए पुलिस यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता जबरदस्त नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर। ये तस्वीरें बताती है कि आखिरकार ये जो पूरा मसला है भ्रष्टाचार का, जो आरोप लगे हैं मनीष सिसोदिया पर, इसके अलावा सत्येंद्र जैन को लेकर भी पहले हमने देखा था किस तरह से हमले हुए थे, अब तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वो खुद जेल जा चुके हैं, जिसके बाद अब बीजेपी और ज्यादा हमलावर है और बीजेपी लगातार कह रही है। बीजेपी ने आज एक पोस्टर भी जारी किया जिस पोस्टर में जोड़ी नंबर 1 लिखा गया और उसमें जोड़ी नंबर 1 में सत्येंद्र जैन और साथ ही मनीष सिसोदिया को दिखाया गया और उसमें कहा गया कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं केजरीवाल, जो इस वक्त बीजेपी के टारगेट पर हैं और बीजेपी का कहना है कि ये हश्र अरविंद केजरीवाल का भी होगा। तो बीजेपी की ओर से जबरदस्त ये नारेबाजी चल रही है इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर। बीजेपी के लिए एक ऐसा मौका है जहां पर वो अरविंद केजरीवाल और साथ ही आम आदमी पार्टी को घेर रही है क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही मोर्चा खोलते हुए आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई थी और जिस मुद्दे पर उसने पार्टी पूरी खड़ी की थी, आम आदमी पार्टी तैयार हुआ था, अब उसी के खिलाफ बीजेपी लगातार हमलावर है क्योंकि उनके 2 बड़े नेता इस वक्त करप्शन के चार्जेस में फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में है, जेल में मौजूद है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि आरोप सभी गलत हैं और बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, फंसाया जा रहा है इसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं को। मनीष सिसोदिया को लेकर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार ट्वीट करती है और जिस तरह से उनको बेगुनाह बताने की कोशिश करती है, लगातार ये कहती है कि बीजेपी की ओर से पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं और बीजेपी हालांकि इसको लेकर पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को घेर चुकी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय पाराशर इस वक्त जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर से। अभय, क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके का प्रदर्शन बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता फिलहाल कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल प्राची, सीधा मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आईटीओ से जब आप बाल भवन की तरफ आते हैं तो वहां से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और उसके आगे ये तस्वीरें हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर से बिल्कुल पहले, जो है पहली एक बैरिकेटिंग की, जो बैरिकेट थे उन्हें गिरा दिया था बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और ये दूसरी जो बैरिकेटिंग है यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को रोका गया है। आगे की आप तरफ देखेंगे तो आगे वाटर कैनन जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं क्योंकि आगे ही थोड़ी दूरी पर बीजेपी जो आम आदमी पार्टी है उनका दफ्तर है। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आबकारी नीति में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया का नाम सामने आया, सीबीआई के बाद ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की, अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा इस पूरे मामले के अंदर देना चाहिए। और बीजेपी के कार्यकर्ता फिलहाल बैरिगेट्स पर चढ़े हुए हैं और यहाँ पर आगे पुलिस है, अपनी गिरफ्तारी देने की मांग कर रहे हैं लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले के अंदर इस्तीफा दें। और ये जो रास्ता है प्राची, इसके थोड़ी ही आगे राउज एवेन्यू कोर्ट है जहां पर करीब 1:30 बजे के आसपास ईडी के अधिकारी जो है वो मनीष सिसोदिया को आज यहां पर कोर्ट में पेश करेंगे। जिस तरीके से ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की है इस पूरे घोटाले के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के अंदर, उनकी कस्टडी की मांग की जाएगी और इसी रोड पर आज बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आप हैं, आप लोग क्या कुछ मांग कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पे?
हम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर आए हैं। दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है और दिल्ली की जनता को शराब की नगरी बनाने का काम उन्होंने किया, स्कूल का घोटाला उन्होंने किया, हर तरह के घोटालेबाज सरकार है। इसलिए हम दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं। उसने शराब में डाला युवाओं को, एक के साथ एक बोतल डाल के युवाओं को शराब में डाला। ये वो व्यक्ति था जो कहता था कि मैं RW से पूछूंगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तब मैं शराब के ठेके खोलूंगा। अब की बार इसने उल्टा करा, इसने शराब के ठेके खोले और युवाओं RW को कहा कि यहाँ पे आके शराब पियो। ऐसे व्यक्ति का हम इस्तीफा चाहते हैं। को लेकर यहां पर मांग कर रहे हैं जो तमाम कार्यकर्ता हैं, और अब से थोड़ी ही देर में, क्योंकि जो बैरिगेड से उस पर फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ता चढ़ गए थे और थोड़ी देर पहले ही जो बीजेपी के सांसद हैं रमेश भिदुड़ी, वो बैरिगेड क्रॉस करके आगे की तरफ जो है वो गए हैं, और आगे पुलिस कोशिश कर रही है कि इन लोगों को यहीं पर रोका जा सके, क्योंकि आगे आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से यहां पर फिलहाल तमाम तैयारियां की गई हैं। लेकिन स्थिति इसी तरीके की यहां पर लगातार बनी हुई है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और जो दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता है वो यही मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, इनका ये कहना है कि अभी तक आम आदमी पार्टी अटैकिंग मोड में थी, लेकिन अब बीजेपी अटैकिंग मोड में है और सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को बीजेपी इस्तीफा मांग रही है और इसी को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। शुक्रिया आपका अब है तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।